नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। यमुनानगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को विधानसभा में नए कृषि कानूनों के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के हक में वोटिंग करने के लिए ज्ञापन सौंपा। कल यानी 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा सेशन के दौरान नए कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश भर में भाजपा और जजपा समेत सभी 88 विधायकों को अविश्वास प्रस्ताव के हक में वोटिंग डालने के लिए ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और जगाधरी के विधायक और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान तक पैदल मार्च और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना ज्ञापन सौंपा और आह्वान किया है कि विधानसभा सेशन के दौरान नए कृषि कानूनों के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के हक में भाजपा और जजपा के विधायक भी वोटिंग करें, क्योंकि इन्हीं किसानों की वोट से वो विधायक बने हैं और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो जिस तरह इन दिनों संयुक्त किसान मोर्चा भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है तो उनके हक में वोटिंग करने वाले विधायकों के वे कल ही जिंदाबाद के नारे लगा देंगे। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। यदि इनका दिमाग ठीक होता ये ओपी धनखड़ जानता नहीं है कि भाई तू बीजेपी का अध्यक्ष है और बीजेपी पार्टी किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, झूठे केस दर्ज कर रखे, मुकदमे दर्ज कर रखे। अब वो मुकदमे दर्ज करने वालों का अध्यक्ष यदि यहाँ पर आएगा तो किसान उसका क्या स्वागत करेंगे? बोलते हैं बीजेपी के कुछ लोग, हम ओपी धनखड़ का भव्य स्वागत करेंगे। हमारे साथ जिन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम भव्य स्वागत वो करेंगे, हम भव्य विरोध करेंगे और वो विरोध करके हमने बताया है, तो इसलिए बार बार यही चेतावनी भी दे रहे हैं और साथ में अपील भी कर रहे हैं। चेतावनी ये है कि देश बेचने वालों के साथ यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन देश को बचाने वालों के साथ किसान मजदूर खड़ा है। और जो राजनीतिक पार्टियां देश बचाने की इस लड़ाई में साथ आएंगी, हमें उनका साथ लेने में कोई गुरेज नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ये तो किसान राजनीति कर रहे, पर राजनीति किसी के बाप की जागीर नहीं है। राजनीति हमारा गला घोट रही है तो उस राजनीति का भी हम गला घोटेंगे जो राजनीति हमारा गला घोटेगी। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होते तो दिल्ली में बैठकर किसानों की बात सुनते, लेकिन मोदी देश के प्रधानमंत्री कम और बीजेपी का चुनाव लड़ो पार्टी ज्यादा है। बंगाल में वहीं कभी बिच्छू बोल रहे हैं, कभी सांप बोल रहे। अब मोदी जी कुछ तो शर्म करो कि आपकी उपस्थिति में एक बीजेपी में शामिल होया और वो कह रहे मैं कोबरा हूँ। अरे कोबरा के देश को डसेगा? हम कह रहे कभी अमित शाह बोलता है कही तो बिच्छू है, नेवड़े हैं, सांप है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोकतंत्र में ये जो चुनके भेजा हमने इसलिए भेजा था क्या कि तुम जनता को बिच्छू नेवड़े बताओगे? इसलिए ये बेशरम जो सरकार है, और मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये मेंटल हो चुके हैं और चुनाव लड़ने की जिद में कितने भी लोगों को मरवा सकते हैं। कुर्सी ये कुर्सी के काटे हैं, कुर्सी ने इनको काट लिया, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब तो स्थिति यह बन रही जनता ही इनको उठा के फेंकेगी। हम फिर बार बार अपील, हमारी किसी भी मंत्री या एमएलए से दुश्मनी नहीं है। अगर ये किसानों के हित में कल वोटिंग करते हैं तो किसानों के हित में बात करेंगे तो हम जयकारे इन्हीं सरकार के लगाएंगे, क्योंकि काले कानून आए हैं ये पता बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। अगर ये कल उन्होंने अच्छी तरह से वोटिंग किसानों के कर दी तो हम इन्हीं के मंत्रियों के और जो सरकार का नारा है बीजेपी सरकार का, हम इन्हीं के खिलाफ नारा नहीं लगाएंगे बल्कि उनके साथ खड़े होकर जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। तारीख को विधानसभा में, हरियाणा में विधानसभा का सत्र चला हुआ है, वहाँ पर जो एक कृषि कानून है इनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा 10 तारीख को। हम आज पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ पर भी जेजेपी और बीजेपी के विधायक हैं उनसे मांग करने के लिए आए हैं, मांग पत्र देने के लिए आए हैं कि आप आज किसान के पक्ष में वोट करें, आम जनता के पक्ष में वोट करें, इन काले कानूनों के विरोध में वोट करें और अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आई है सरकार के खिलाफ उसके पक्ष में वोट करें ताकि ये काले कानून रद्द हो और किसानों की मांग को माना जा सके। अगर आज आप किसान के साथ खड़े होंगे तो कल किसान भी आपके साथ खड़ा होगा। आज किसान ने आपको वोट देकर यहाँ पर विधानसभा में भेजा है, इस लायक आपको बनाया है कि आप वकील बनकर विधानसभा में किसान मजदूर की बात उठाएं। तो आज किसान मजदूर आपसे वोट लेने के लिए आया है, आपकी वोट लेने के लिए आया है।
आज तक तो विधायकों ने वोट लिया, लेकिन अब की बार किसान और मजदूर आम जनता विधायक से अपील करने के लिए आए हैं कि आप आम जनता के पक्ष में वोट करें और इन कानूनों के विरोध में वोट करें, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोट करें, ताकि कल किसान भी आपके साथ खड़ा हो। क्या मंत्री जी से मुलाकात हो पाई आपकी? नहीं, मंत्री जी यहाँ नहीं थे, वो पता लगा विधानसभा में गए हुए हैं। हमने ज्ञापन दिया है, उनके पीए को दिया है और कहा है कि हमारी बात उन तक पहुंचा दी जाए। आप मानते हैं कि वो मान लेंगे आपकी बात? 15 मार्च को देश की 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन